बोली आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चलिए अब हमारा नेक्स्ट सेशन जो है सम्यक दर्शन के आठ अंग नंदीश्वर दीप अष्टानिका महापर्व। बोलिए अष्टानिका महापर्व की जय जय जय। नंदीश्वर दीप की जय जय जय। आज का जो अंग है आठ अंग में आज जो हमारा अंग है वो कौन सा है? उपगोहन अंग चल आज है हमारा पांचवा दिवस अष्टानिका का। पहले दिन हमने क्या देखा था? निशंकित अंग देखा था जिसके हमने अपने दाहिने पैर के से उपमा उससे दी थी, जैसे हम कोई शंका न करते हुए हमारे राइट पैर को उठते से आगे कर देते हैं, इसी प्रकार जैन धर्म पे आगम पे देव गुरु शास्त्र पे हमें शंका नहीं करना है। उनकी आगम की वाणी सत्य ध्रुव प्रमाण है और उसमें हमें कोई आकांक्षा भी नहीं करना है। ये हमारा लेफ्ट पैर, राइट पैर के पीछे लेफ्ट पैर अपना आसानी से रख देता है बिना सोचे समझे। निर्विचिकित्सा, हमें ग्लानी नहीं करना है शरीर से साधु संतों के या किसी के भी। सम्यक दर्शन का तीसरा ये अंग है और हमारा लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से हम सोच आदि की क्रिया करते हैं तो क्या उससे ग्लानी करते हैं? क्या नहीं करते। चौथा था हमारा कल अमूर दृष्टि। अमूर दृष्टि में पीठ की उपमा दी है, कुगुरु कुदेव की तरफ हमें पीठ करना है, वो अमूर दृष्टि कल हमने देखा था। और आज जो हमारा पांचवा अंग है सम्यक दर्शन का उपगुहन अंग है। उपगुहन अंग को पुट्ठे की उपमा दी है। पुट्ठा यानी हमारा बैग का जो साड़ी पहनते जहां से कमर के नीचे के दोनों हिप्स का भाग, वो हमारा हमेशा ढका रहता है ना, ढका हमेशा ढका रहता है कि नहीं? उसी प्रकार से उपगुण अंग क्या करता है? पांचवा अंग दोषों को झांकना और गुणों को उजागर करना है। सिंगल साइड निकाल इसके। हमें क्या करना है? दोषों को ढांकना है दूसरों के और उनके गुणों को उजागर करना, ये उपगुण अंग बताता है। और रत्नकरण सावकाचार में संबंध भद्र आचार्य जी ने बहुत अच्छी एक 15 नंबर की गाथा भी उसमें बताई है। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्त जनाश्रयाम् वाच्यताम् यत्र मार्जन्ति तद्वन्त्योपगुहणम्। क्या बता रहे हैं? जिनेंद्र भगवान का कहा हुआ रत्नत्रय मार्ग है वो कैसा है? वो स्वयं शुद्ध है। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, वह स्वयं शुद्ध तो है ही और कैसा है? वह निर्दोष है। इस रत्नत्रय मार्ग की किसी अज्ञानी तथा असक्त मनुष्य द्वारा आश्रय किए जाने से जो निंदता प्रकट हुई हो उस निंदता को दूर करना, शुद्ध निर्दोष कर देने को उपगुहन अंग कहा गया है। जिनेंद्र भगवान द्वारा उपलक्षित धर्म के 10 लक्षण हो, अष्टानिका हो, रत्नत्रय धर्म हो, ये सब अनादि निधन है। जगत के जीवों का उपकार करने वाले है ये सब। पुट्ठे हम ढकते हैं ना, उसी प्रकार से इस प्रकार से स्वयं शुद्ध जो सत्य मार्ग है उत्तम सुख देने वाला ये। इसमें तत्वार सूत्र में बहुत अच्छी एक गाथा आती है, परनिंदा आत्म प्रशंसा। ये क्या है? परनिंदा आत्म प्रशंसा निश्चय गोत्रे। उमा स्वामी ने क्या कहा है?
जो पर की निंदा करे, स्व के आत्मा की प्रशंसा करे, वो नीच गोत्र जाता है। और स्वनिंदा पर प्रशंसा जो करे वो कहाँ जाएगा? उच्च गोत्र की आवाज, उच्च गोत्र की प्राप्ति करेगा। वो क्या करेगा? उच्च गोत्र की प्राप्ति करेगा। निज गुण और उसमें निज गुण जो है उसको ढाक दो, दूसरे के गुणों की उजागर करो, खूब प्रशंसा करो, खूब प्रशंसा करो दूसरे के गुणों की। तो आपका जो ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का आवरण पड़ा है वो कावरण पर्दे के माफिक हट्टे चला जाएगा। जैसे हम पर्दा खोलते हैं ना, ऐसे ही यदि हम जब दूसरे के गुणों की प्रशंसा करेंगे, दूसरों के गुणों की प्रशंसा करेंगे, तो हमारा जो ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का आवरण पड़ा हुआ है वो ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का आवरण छट्टे छट्टे चला जाएगा, हट्टे हट्टे चला जाएगा, और आपकी बुद्धि का विकास होगा, आपका आईक्यू मेमोरी बढ़ेगा। इसकी स्थिति पता है आपको, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म की स्थिति कितनी है? 30,000 सागर की स्थिति है। इतने कर्म हम बांध चुके हैं, सोचो वो कैसे कर्म हमारे टूटेंगे। ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का पर्दा कैसे हटेगा? तो दूसरों की गुणों की प्रशंसा करने से ही यह होगा, और उससे हमारा क्या होगा, हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। एक हमारे सामने यदि पागल भी है तो आप देखोगे उसमें भी कुछ ना कुछ गुण मिलेंगे, यदि आप गुण देखोगे तो। जब आप दूसरे के गुणों को देखना प्रारंभ करोगे तो आपके अंदर गुणों की वृद्धि होगी और अवगुणों का ह्रास होगा। यदि दूसरे के दोषों को देखेंगे तो दोषों को ही देखते रह जाएंगे और आपके अंदर दोष 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 ही प्रवेश कर जाएंगे। छेड़डाला में कहा है दौलत राम जी ने, क्या कहा है? निज गुण अरु पर अवगुण ठाके, यह जिन धर्म बढ़ावे। क्या कह रहे दौलत राम जी? अपने गुणों को ढको, निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, और पर के अवगुण को ढाको, तो आपका जिन धर्म आगे बढ़ेगा। कभी हमने किसी के दोषों को देख भी लिया तो उसको मत कहिए, अकेले में कह सकते हो आप, उस पे पर्दा डाल दीजिए। माँ क्या करती है? जैसे माता के पुत्र के प्रति कैसी प्रीति होती है, यदि कदाचित पुत्र कोई अन्याय या खोटा कार्य भी कर दे तो माता उसे खोटे कार्य को क्या करती है? छिपा देती है, ढाक देती है। उसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष की धर्म से तथा साधर्मी से ऐसी प्रीति होती है कि यदि किसी साधर्मी को कर्म के प्रदल उदय से, अज्ञानता से, अशक्ति से, व्रत में, संयम में, सील में, नियम में दोष आ जाए या बिगड़ जाए तो वह अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको आच्छादन करते हैं, उसको ढक दीजिए, फिर बाद में उसको बता के उसका आच्छादन करिए। अपने दोषों को ढकना एक बहुत अच्छा भजन में भी एक लाइन बहुत अच्छी आती है। एक भजन हम पढ़ते थे उसमें बहुत अच्छी एक लाइन आती थी, अपने दोषों को लखने की तेरे अंदर क्षमता न हुई, कर्मों को दोषी क्यों कहता, निज जो जीते बाजी मार गए। क्या आ रहा है भजन में? कर्मों को दोषी क्यों कहता, जो जीते बाजी मार गए, और बिन ज्ञान गुरु की शरण गए, 16 नर भाव बेकार गए। अपने दोषों को लखने की तेरे अंदर क्षमता न हुई। क्या हुआ?
अपने दोषों को लखने की, अपने दोषों को देखने की हमारे अंदर क्षमता ही नहीं है। दिन रात हम हमारी ही प्रशंसा में लगे हुए हैं। अपने दोषों को देखो, हमें अपने आत्म स्वरूप में लीन होना है। अपने दोषों को हमें देखना है। वो कब आएंगी? जब हमारी दृष्टि हमारे आत्म स्वरूप पे होंगी, तब हम अपने दोषों को देख पाएंगे। हमें एक निधि मिली है, वो एक लाइन और बहुत अच्छी आती है। जब तक हम आत्म स्वरूप को नहीं देखेंगे, तब तक हम हमारे कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकते। जिस समय हो आत्मदृष्टि, कर्म थर थर कांपते हैं। बहुत अच्छी लाइन है। जिस समय हो आत्मदृष्टि, कर्म थर थर कांपते हैं और भाव की एकाग्रता लग छोड़ खुद ही भागते हैं। बहुत अच्छी लाइन है। जिस समय हो आत्मदृष्टि, जिस समय आप पे आत्मदृष्टि है, आपकी अपनी आत्मा की ओर दृष्टि है, तो वो कर्म थर 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 कांपेंगे और आपकी भावों की एकाग्रता देख खुद छोड़ खुद ही भग जाएंगे। जिस प्रकार आपके घर यदि ताला लगा है तो कोई आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। उसी प्रकार सुने घर का पावना, जो आवे तो जाए। उसी प्रकार से यदि आप अपने आत्म स्वरूप में है, आपकी दृष्टि अपने आत्मा पर है, तो कर्म आएंगे और चले जाएंगे। वो नहीं रुकेंगे आपके पास। यदि आप अपने निज स्वभाव में हो तो, वो क्या है हमारा निज स्वभाव, क्या है हमारी निधि? तो पंडित तोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग में बहुत ही अच्छी चीज बताई है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक, बहुत ही अच्छा ग्रंथ, उसमें पंडित तोडरमल जी ने बहुत अच्छा बताया है। हे जीव, क्या कहा है? अपनी बुद्धि, अपना उपयोग, अपना मन अपने में ना रहकर पर में जाए, तो वो बुद्धि व्यभिचारिणी बुद्धि कहलाती है। क्या कह दिया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने? पंडित टोडरमल जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है, समझने की आवश्यकता है। अपनी बुद्धि, अपना उपयोग, अपना मन, क्या कह रहे हैं? शब्द पे ध्यान दीजिए, सब अपना, दूसरे का नहीं कह रहे हैं। अपना मन, अपने मन में ना रहकर पर में जाए, तो वो बुद्धि व्यभिचारिणी बुद्धि कहलाती है। बहुत बड़ी बात कह दी है। व्यभिचारिणी, जिस प्रकार एक स्त्री अपने घर में ना रहकर यदि पर पुरुष के पास जाती है, उसे व्यभिचारिणी कहा जाता है। उसी प्रकार टोडरमल जी ने यहाँ कह दिया कि अपनी बुद्धि भी पर बुद्धि में जाती है, तो वो भी व्यभिचारिणी होती है। उमा स्वामी ने भी बहुत अच्छा तत्वासूत्र में कहा है, उपयोगो लक्षणम, अपना उपयोग अपने लक्ष्य की ओर रखो। हमारी निधि क्या है? ज्ञान दर्शन में ज्ञानानंद स्वभावी हूं मैं, ज्ञानानंद स्वभावी हूं। क्या है मेरा स्वभाव? ज्ञानानंद मेरा स्वभाव है। मेरी पूंजी क्या है? ज्ञानानंद मेरी पूंजी है। ये हमारी निधि है, इसे सोच समझ के खर्च करिए। पैसे को कैसा खर्च करते हम? ऐसे ही खर्च देते क्या पैसे को? खर्च कितना सोच समझ के, दस दस बार सोच समझ के एक एक चीजों के लिए खर्च करते हैं। ऐसे ही हमारी ज्ञान दर्शन रूपी पूंजी है, इसे भी आपको सोच समझ के खर्च करना होगा। मन वचन काय उपयोग को संभाल करके, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, तीनों को वश में करना होगा, तो ही हमारे कर्मों की निर्जरा होंगी होंगी और होंगी। ब्रह्मचर्य और मौन से कर्मों की निर्जरा होती है। कर्मों की निजरा किससे होती है? ब्रह्मचर्य से और मौन से कर्मों की निजरा होती है। आप लोग अवश्य दिन में एक घंटे मौन रहिए, जरूर मौन रहिए एक घंटे,
24 घंटे में एक घंटे मौन रहिए, आपकी कितनी कर्मों की निर्जा होती है, ज्यादा से ज्यादा हमारे कर्मों की निर्जा होती है। पल से हट 100 में बस यही है शॉर्टकट, 100 में आप बसोंगे उससे। हमारे पल्स की जो अवगुण देखने की हमारी जो आदत बन चुकी है वो हमारी खत्म हो जाएंगी और हम अपने स्वरूप में अपने अंदर में आते चले जाएंगे, किसी का नहीं। क्यों? देखो रत्नकरण चाकाचार में 26 नंबर की बहुत अच्छी गाथा आती है, स्मरण योनान ते ते ती धर्म स्थान गर्विताशया सोते ते ती धर्म मात्म्यम न धर्मो धर्मी के बिना। समान भद्र आचार्य जी ने ये लाइन बहुत ही अच्छी की, मुझे बहुत ही मस्त लगती है, न धर्मो धार्मी के बिना। क्या कह रहे हैं समान भद्र आचार्य जी? धर्म कहां से है? धर्म धार्मिक पुरुषों से ही है। जो कोई पुरुष धर्म के कारण अन्य धर्मात्मा पुरुष को तिरस्कार करता है वह अपने धर्म का ही तिरस्कार कर देता है। आप इतनी छोटी बात को आसानी से मत लीजिए। यदि आपने किसी धर्मात्मा का अपमान किया, अपने सभा में बुलाकर उसका अपमान किया, तो सोचिए आपने धर्म का अपमान किया, धर्म का तिरस्कार किया, उसका नहीं किया। हमें हर समय ध्यान रखना है धर्मात्मा पुरुष के बिना धर्म हो ही नहीं सकता, धर्म पाया नहीं जा सकता। धर्म तो किसी पुरुष के आधार से ही रहता है, बिना पुरुष के धर्म नहीं रह सकता है। अपने गुण ही गुण आएंगे यदि ऐसा करेंगे तो, और दोष निकल जाएंगे। इसी प्रकार से जो आज की कहानी है उसमें जो आएंगे, आज जिसकी उपमा दी है उपगुहन के लिए, कौन प्रसिद्ध है उपगुहन अंग में? उपगुहन अंग में जिन दत्त सेठ प्रसिद्ध है, तो वो ऐसे ही थे, न धर्मो धार्मी के ही बिना थे वो, इसलिए वो इसमें प्रसिद्ध हुए हैं। पवित्र जैन मार्ग की अज्ञानी तथा असमर्थ जनों के द्वारा की गई निंदा को यथा योग्य रीति से दूर करना तथा अपने गुण और पराये दोषों को ढकना, यही उपगुण अंग हमें बतलाता है। सम्यक दर्शन का जो पांचवा अंग है यही हमें बनाता है। अनादि काल से कसायों के संस्कार से अभी भी अनेक दोषों को हम कर रहे हैं, अन्य जीवों के कर्म के उदय की पराधीनता से दोषों को देखकर मुझे करुणा ही करना चाहिए, लेकिन हम क्या करते? तिरस्कार। संसारी जीव विषयों और कसायों के वशीभूत हुए पराधीन है, यह देखकर मुझे करुणा आनी चाहिए। वो कसाय और विषयों के वशीभूत है, पंचेंद्रियों के विषयों के, अपने ज्ञान को ही वो बिगाड़ रहा है और अपने ज्ञान को बिगाड़ के वो क्या कर रहा है? कषाय और विषय जीव के ज्ञान को बिगाड़कर अनेक प्रकार के नाच नचाता है, अपना स्वरूप भुला देता है। अज्ञानी जनों द्वारा किए गए दोष को आप संक्लेश परिणाम करते हैं, हमें वो नहीं करना है। हमें अपने ही भावों की देख संभाल करना है, अपने ही ज्ञान की संभाल करना है। स्वयं शुद्ध जो सत्य मार्ग है उत्तम सुख देने वाला, अज्ञानी असमर्थ मनुज कृत उसकी हो निंदा माला, उसे तोड़कर दूर फेंकना उपगुहन है पंचम अंग, इसे पाल निर्मल यश पाया सेठ जिनेन्द्र भक्त। कौन पाया इसको तोड़कर, इस निंदा की माला को तोड़ के निर्मल यश किसने पाया है? किसने पाया है निर्मल यश? सेठ जिनेन्द्र भक्त इसमें प्रसिद्ध हुए है। देखो सेठ जिनेन्द्र भक्त का पिक्चर भी इसमें दिखाया है। इसकी कहानी हम लेते हैं कि इसकी कहानी कैसी थी, अब कहानी हम सुनेंगे इसकी, जिनेन्द्र भक्त सेठ की। ये देखिए आपको इसमें पिक्चर में एक क्या दिख रहा है, मकान दिख रहा है, कितनी मंजिल है एक महल, 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर में क्या दिख रहा है आपको? एक जिनालय दिख रहा है। एक जिनेन्द्र भक्त सेठ थे,
बहुत बहुत धार्मिक सेठ थे वो। उनको किसी भी धर्म को, किसी भी धार्मिकता को वो देखते और उन्हें उनके प्रति प्रीति हो जाती थी। प्रीति किसी भी ना धार्मिक के धार्मिक को बिना ना किसी भी धर्म धार्मिक पुरुष को देखते और उससे उनको प्रीति होती। गौड़ देश के अंतर्गत ताम्रलिप्ता नाम की एक सुंदर नगरी थी, वहीं के ये एक सेठ थे और सातवीं मंजिल पे इनका एक बहुत अच्छा जिन चित्रालय, बहुत ही अच्छा जिन चित्रालय था। उसमें प्रतिमा जो लगी थी, उसमें जो तीन छत्र लगे थे, उसमें एक वैडूर मणि नाम का बहुमूल्य रत्न लगा था। ये प्रतिमा आपको दिख रही ना सातवें मंजिल पे, वहां पर एक बहुमूल्य रत्न लगा था। कोई रत्न को लाने में साहस हो सकता है नहीं करके वहां के एक जो पुरुष था, वहां का जो मतलब माना जाना पुरुष जो था सूर्यक नाम का, तो सूर्यक नाम का जो एक चोर था वहां का, वो सूर्यक नाम का चोरों ने एक दिन सभा बुलवाई पूरे चोरों की और बोला कि वो जो जिंदत्त सेठ है उनके यहाँ एक रत्न जो है वो उसमें लगा है तीन छत्र में, वो कौन ला सकता है, वो कौन ला सकता है। ऐसा उन्होंने अपने सभा में बात रखी। जब उनको पता चला कि जिनेन्द्र सेठ के यहाँ वो वैडूर मणि रत्न लगा हुआ है, तो एक मायावी एक वहां में इसमें से एक चोर ने कहा कि मैं उस रत्न को ला सकता हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है, मैं ला दूंगा। उसने बड़े जोर शोर से कह दिया और वो लाने के लिए उसने क्या किया, वो रत्न को लाने के लिए, उसका नाम भी चोर का था, सुवीर नाम था चोर का, चोर का नाम क्या था, सुवीर। सुवीर ने रत्न लाने की आज्ञा ले ली, तो वो वहां से आकर उसने क्या किया, एक मायावी रूप धारण कर लिया, छुल्लक का वेश धारण कर लिया और छुल्लक बन के वो लोगों को ठगने लगा, व्रत उपास भी करने लगा लोगों को ठगने के लिए। उसकी काया भी क्रुश हो गई, काया क्रुश हो गई उसकी। तत्पश्चात वो अनेक नगरों में भ्रमण करता 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 उसने तो ठगने के लिए वेश धारण किया था, छुल्लक वेश। ये पिक्चर में दिख रहा है, देख रहा है आपको जिनदत्त सेठ भी दिख रहा है और आपको सिपाही भी दिख रहा है और चोर भी दिख रहा है जिनने सुल्लक वेश धारण करा है। ये पिक्चर देख लीजिए, मैं पीपीटी के साथ ही आप लोगों को बताती हूँ ताकि जल्दी समझ में आ जाए। जिनेन्द्र बहुत ही जिनेन्द्र भक्त सेठ जो थे बहुत उदार मन के और बहुत धार्मिक, और उन्होंने जब एक छुल्लक को देखा कि अपने नगर में आए हैं तो उन्होंने बहुत आदर सम्मान पूर्वक अपने घर उनको लेके आ गए, अपने घर लाए, अपने चित्रालय में दर्शन कराया, उनके आहार पानी भोजन वादी की व्यवस्था की और उन्हें कहा कि आपको यही रहना है, अपने मंदिर के लिए उनको नियुक्त कर लिया, आपको हमारे ही मंदिर में रहना है, इसी की देखभाल आपको यहीं पर रहकर करना है। जिनेन्द्र भक्त ने उनको अपने मंदिर में, अपने चैत्यालय में उनको रख लिया। पापी लोग जो होते हैं वो बहुत ही छिपकर पाप करते हैं और वो छिपता भी नहीं है, कभी कोई पाप करे तो वो छिपता भी नहीं है। पापी जब चोरी जब चोर करता है कहते तो कुछ ना कुछ निशानी छोड़ कर ही जाता है। जिन दत्त सेठ ने बड़ी ही उन पे वो कर ली विश्वास और कहने लगे कि अब मैं थोड़ा सा समुद्र यात्रा के लिए निकलता हूँ, मैं थोड़ा यात्रा करके आ जाता हूँ, आप तो है आप मंदिर की देखभाल करिए। ऐसा करके छुल्लक जी को प्रणाम किया और वो वहां से निकल गए। और छुल्लक जी तो अपने मन ही मन में इतने आनंदित हो रहे थे कि मुझे जो चाहिए वो मिल गया, अब सेठ जी भी चले गए। तो उन्होंने देखा कि सेठ जी चले गए, अब कोई है नहीं है, तो उन्होंने वो वैडूर मणि को चुराने की कोशिश की और चुरा भी लिया, चोरी की और वो भागने लगे। जब वो भागने लगे तो वो वैडूर मणि इतना चमक रहा था, इतना चमक रहा था कि उसका चमकीला ऊपन जो था वो सिपाही ने देख लिया। देखो आप देख रहे सिपाही को, और उसने देख लिया कि चोरी हो रही है, तो वो बस चिल्लाते चिल्ले चोर भाग रहा है, चोर भाग रहा है, पकड़ो पकड़ो, चिल्लाते चिल्लाते वो उन छुल्लक महाराज जी के पीछे भाग चला। और वो भागते भागते क्या हुआ, सुल्लक महाराज जी जिनेन्द्र भक्त के, जिनेन्द्र सेठ के ही चरणों में जा पड़ा, उनके ही चरणों में चला गया और उनसे कहता है देखो ये मुझे चोर कह रहे हैं और मेरे पीछे भाग रहे हैं। जिनेन्द्र भक्त देखो उपघोण अंग में कैसे फेमस हुए, क्यों फेमस हुए, अब यहां देखो कैसा है।
जिनेंद्र भक्त सेठ ने उनके दोषों को कैसे छुपाया, नहीं तो हमारे जैन धर्म पर आंच आ जाती और जैन धर्म को लोग पाखंडी व्यभिचार कहते। इसलिए जिनेंद्र भक्त ने अपने जैन धर्म की जिन शासन की कैसे रक्षा की, देखिए। छुल्लक जी उनके चरणों में आए, सिपाही जी ने कहा ये चोरी करके भाग रहे। जिनेंद्र भक्त ने इतनी उदारता से कह दिया कि मैंने ही वो बैडूर मनी इनसे मंगवाया था। कितनी बड़ी बात कह दी जिनेंद्र भक्त ने, उनके दोषों को छुपाने के लिए क्या कह दिया कि वो वैदुर मनी मैंने ही मंगवाया था, आप लोगों को नहीं पता, आप लोग कुछ भी कर रहे हो, आप लोग जाइए। जिनेंद्र के भक्त के सेठ के वचनों को सुनते ही सिपाही ठंडा पड़ गया और उसने उन्हें नमस्कार कर अपने स्थान पर चला गया। सिपाही जब चले गए तो जिनेंद्र भक्त सुल्लक जी से रत्न लेकर एकांत में उनको समझाया। क्या किया जिनेंद्र भक्त ने, सबके सामने नहीं किया, एकांत में गए और वहां कहा कि मुझे अत्यंत दुख के साथ करना पड़ रहा है कि तुम ऐसे पवित्र वेश को धारण कर, छुल्लक जी का पवित्र वेश को धारण कर ऐसे नीच कर्मों से कलंकित कर रहे हो, क्या तुम्हें यह उचित है। स्मरण रखो, मनुष्य केवल संसार को ठगने के लिए ऐसा मायाचार करता है, बाहर धर्मात्मा बनने का ढंग रचता है, लोगों को धोखा देकर अपने माया जाल में फंसाता है, वह मनुष्य का एक पात्र है, दुर्गति का पात्र है, तिर्यंज निगो नरक का पात्र है, वो वहां जाता है जो दूसरों को ठगता है। तुम्हें ऐसे जो कृत्य हम करेंगे तो हमें वो कुगति में लेके जाएंगे और अनंत काल पर्यंत दुख में ही हमें रहना पड़ेगा, दुख को ही अनंत काल तक हमें भोगना पड़ेगा। इस प्रकार से हमने ये कहानी आपको बताई कि जिनेंद्र भक्त सेठ उपगुण अंक में दूसरे के दोषों को ढाको, दूसरे के गुणों को उजागर करो, अपने जो गुण है उसको ढाको, दूसरे के गुणों को उजागर करो, पर आत्म प्रशंसा सो आत्म निंदा, ये उमा स्वामी का अपने अंदर भर लो तो हमारे गुण 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 अंदर आते जाएंगे, गुण हमारे अंदर बढ़ते चले जाएंगे। इस प्रकार से हम भी अनुरूप में अन्य पुरुष को भी अवश्य ही उपगुण अंग का पालन करना चाहिए, हमें भी उपगुण अंग का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से जिनेंद्र भक्त ने क्या किया, उपगुण अंग का, पित्त जर वाले को अमृत के समान मीठा गोदुग भी कड़वा लगता है, जिस प्रकार सम्यक दर्शन के उपगुण अंग का जिनेंद्र भक्त ने पालन किया, हम भी सभी लोग इसी पालन करें। इसी मंगल भावना के साथ हम यहाँ विराम देते हुए नंदीश्वर यात्रा की ओर चलेंगे। हमारी मंगल भावना के साथ सभी लोग नंदीश्वर यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। हम चलते हैं अब हमारी नंदीश्वर यात्रा के लिए। सभी लोग एकाग्र चित्त होकर बैठेंगे, बोलिए नंदीश्वर महादीप की जय, जय जय। तैयार हो जाइए नंदीश्वर दीप की यात्रा के लिए। अपने आप को शांत कर लीजिए, मन को एकाग्र कर लीजिए और अष्टानिका महापर्व की जय जय जय। हम जानेंगे इस ध्यान के माध्यम से सभी चीजें। एक हम जाप कर लेते हैं, आज पांचवें दिन की जो जाप है, पहले दिन की थी ओम ह्रीम नंदीश्वर संगाय नमः, दूसरे दिन थी ओम ह्रीम अष्ट महाविभूति संगाय नमः, तीसरे दिन की जाप हमने किए थे ओम ह्रीम त्रिलोकसार संगाय नमः, चौथे दिन हमने किए थे कल ओम ह्रीम चतुर्मुख संगाय नमः और आज पांचवें दिन है ओम ह्रीम पंच महालक्षण संगाय नमः। हम एक जाप के माध्यम से ही हमारी यात्रा प्रारंभ करेंगे। जब हम जाप करते करते यात्रा करते हैं तो हमें पता ही नहीं रहता हमारी यात्रा कैसी हो गई, हमारी यात्रा कितने आसानी से हो गई हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए सभी लोग अपने मन को एकाग्र करके बैठेंगे और एक जाप के माध्यम से हम हमारी यात्रा नंदीश्वर यात्रा को प्रारंभ करेंगे। ये देखिए आपके सामने नंदीश्वर दीप पूरा आ चुका है, चित्र में आप देख रहे हो, देख लीजिए। ये बाद में बताते ना मैं पूरा उसके साथ।
नंदीश्वर दीप आपके सामने पूरा आ चुका है। एक जाप, ओम ह्रीम पंच महालक्षण संगाय नमः, 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 ओम ह्रीम पंच महालक्षण संगाय नमः। सोचिए, विचार करिए, चिंतन करिए, नंदीश्वर दीप कहाँ है, वो कैसा है, वहां कौन जाता है, वहां की प्रतिमाएं कैसी हैं। सोचिए, विचार करिए, चिंतन करिए। हम मनुष्य मात्र 2.5 दीप तक ही जाते हैं जम्मू दीप, उसके आगे हम नहीं जा सकते मानुष्योत्तर पर्वत की वजह से। मनुष्य के रहने का एरिया मात्र 2.5 दीप ही है, यहां तक ही मनुष्य जाते हैं। इसका जो विस्तार है, 2.5 दीप के बाजू में सारा जल एक समुद्र एक लैंड, एक समुद्र एक लैंड, पूरा विस्तार उसका दुगना 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 होते चले जा रहा है। 7 दीप 7 समुद्र पार कर चुके, उसके बाद 8वां नंदीश्वर दीप आता है। हम भावों से वहां जाएंगे, भावों से हम देखेंगे, हम नहीं जा सकते तो वहां कौन जाता है। चारों निकाय के देव वहां जाते हैं, भवनवासी, कल्पवासी, वेंतरवासी और ज्योतिषी, चारों प्रकार के देव वहां जाते हैं। हम चलते हैं स्वर्ग की ओर, देखिए स्वर्ग को, कैसी तैयारियां चल रही है नंदीश्वर दीप जाने की। सर्व का स्वर्ग का इतना वैभव, इतनी सुख सुविधा सारी छोड़कर पूरे देव अपने परिवार के साथ नंदीश्वर दीप जाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए स्वर्ग में कैसी तैयारी चल रही है, कितने आनंदित हो रहे हैं, कितने उल्लासित हो रहे हैं सभी देवी देवता, सब एक साथ। मेरे पिताजी भी मुझे दिखते हैं, जो कल्पवासी देव बने हैं निश्चित ही, उन्होंने समाधि मरण पूर्वक अपना देह विसर्जन किया था, आज वो भी नंदीश्वर दीप में पूजा करने जा रहे हैं सभी देवों के साथ। चारों निकाय के देव एकदम रेडी, देखिए उनका मन का उल्लास तो देखिए, आह कितना आनंद है उनको नंदीश्वर दीप जाके पूजा करने का, कितना उल्लास है, आह देखिए, आह चारों निकाय के देव एकदम तैयार, स्वर्ग पूरा खाली हो चुका, पूरा स्वर्ग खाली हो चुका, कोई नहीं है स्वर्ग में, कितने आनंद कितना उल्लास वो लगा गाना, आह विश्वास नहीं होता, वहां ऐसी क्या रचना है जो पूरे के पूरे देव वहां जाने तैयार हो गए, पूरा स्वर्ग लोक खाली हो चुका। जन्म ते जहां वो 15 कर्म भूमिया असीम
हंसी खुशी वहाँ है, धर्म साधना वहाँ। क्षत्रिय वंश में वैभव है, राज पाठ है पटरानी के सपूत वे, पिता भी सम्राट है। मेरो शिखर पेंद्र जो सत मनात स्नात्र है, अतुल्य बल भुजाओं में लक्षण सहस्त्र आठ है। श्वेत वर्ण रक्त है, सुगंध युक्त है, श्वेत मूत्र मल नहीं, आहार भी अदृश्य है। दीक्षा ग्रहण करे प्रभु पंच मुष्टिलोच से, शुक्ल ध्यान में रहे आत्मरीपु से लड़े। धर्म तीर्थ स्थापे प्रभु त्रिपदी प्रकाशते, बारह अंग गणधर पल भर में रचे। देखिए बड़े उल्लास के साथ, बाजे गाजे के साथ चारों निकाय के देव पहुंच चुके हैं नंदीश्वर दीप, जो कि आठवां दीप है। वहां की रचना कैसी है, वहां का जो विस्तार है वो कैसा है, चारों निकाय के देव वहां पहुंच चुके हैं। 163 करोड़ 84 लाख योजन के एरिया वाला, विस्तार वाला, जहां के चारों दिशा में 52 जिन मंदिर है, वहां चारों निकाय के देव पहुंच चुके हैं और अपना अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। पूरब दिशा में कल्पवासी देव, दक्षिण दिशा में भवनवासी देव, पश्चिम दिशा में वेंतरवासी देव, उत्तर दिशा में ज्योतिषी देव, चारों प्रकार के देव चारों दिशाओं में अपना अपने स्थान ग्रहण कर अपने अपने चैत्यालय के अंदर में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए पूरब दिशा में कल्पवासी देव अंदर प्रवेश हो चुके और वह जिन प्रतिमा को देखते ही रह गए। कैसी है वो प्रतिमाएं, चारों ओर चार अंजनगिरी पर्वत काले रंग के ढोल के समान, कैसे है वो ढोल के समान है, और उसमें एक एक अकृत्रिम जिन चैत्यालय, अकृत्रिम मैन मेड नहीं है, वो सेल्फ मेड है। देखिए
चार दिशी चार अंजन गिरी राजही सहस चौरासिया एक दिस छाजही ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम भौन बावन प्रतिमा नमो सुख करम 163 कोटि जो जन महा लाख चौरासिया एक दिस मेला आठ मो दीप नंदीश्वरम भास्वरम भोन बावन प्रतिमा नमो सुख करम 163 कोटि 84 लाख जो जन का। देखिए चार अंजनगिरी पर्वत काले कलर के और चार अकृत्रिम चैत्यालय चारों ओर और उसके अंदर 108 प्रतिमाएं, 500 धनुष की प्रतिमाएं। सोचिए 500 धनुष की 108 108 पद्मासन प्रतिमाएं विराजमान है। आहा, जो भी अहित क्षेत्र गया होगा अहित क्षेत्र की पद्मासन प्रतिमाओं को याद करिए। 24 ही पद्मासन प्रतिमाएं बहुत बड़ी बड़ी अहित क्षेत्र में है। उसी से अंदाज लगा लीजिए कि 500 धनुष की 108 प्रतिमाएं एक मंदिर में। सोच लीजिए 500 धनुष यानी 820 मीटर यानी 1.25 किलोमीटर से भी अधिक। कितनी मोहनीय रत्न जड़ित हसमुख कितनी अच्छी प्रतिमाएं देखते ही मात्र सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। ऐसी प्रतिमाएं कि देखते ही हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी सुंदर प्रतिमाएं मनोहर प्रतिमाएं इतनी ऊंची देखिए दर्शन करिए पूजा करिए भक्ति करिए। वहां पर देव चले गए हैं पूजा भक्ति करने के लिए। चारों ओर चारों निकाय के देव उस प्रतिमा को निहार रहे हैं। निरखो अंग अंग जिनवर के जिनसे झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के जिनसे झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के कैसी शांति झलक रही है। उठने का मन नहीं कर रहा वो प्रतिमा के सामने से। जय हो जय हो जय हो अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम जय हो जय हो जय हो अत्र मम सन्नितो भव वसत् सन्निधि करणम जय हो जय हो जय हो। हमारी शक्ति वहां जाने की नहीं है। हमने नंदीश्वर द्वीप की स्थापना अपने ही स्क्रीन पर कर ली है। सभी लोग स्क्रीन पर देखते जाइए और दर्शन करते जाइए भावों से और आनंद लेते जाइए। बहुत ही भक्ति भाव से देव वहां पर पूजा कर रहे हैं। हम यहाँ से ही भक्ति का पूरा आनंद हम लेंगे। हमने चार अंजनगिरी पर्वत के जो काले पर्वत के अंदर 108 प्रतिमा वाले अकृत्रिम चित्तालय थे अभी उनके दर्शन कर लिए। अब हम उनके बाजू में जो
चार दधिमुख पर्वत है, चार चार चारों दिशाओं में वहां चलेंगे। चलिए हम चलते हैं, चारों दिशाओं की चार दधिमुख पर्वत की ओर हम चलते हैं। वहां पर क्या हो रहा है हम वहां भी देखेंगे, चारों दधिमुख पर्वत और वहां पर चार चार मंदिर और उसके अंदर चारों पर्वत पर ये कैसे है, ये सफेद कलर के है, दधि यानी दूध या दही कलर के सफेद है। इसका विस्तार 10,000 योजन का इसका विस्तार है। सोलवा पिन मदि सोलगिरी दधि मुखम, सहस दश महाजोजन लगत ही सुखम, बावरी कोन दो मोह दो रति करम, भौन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। 16 वापिन है वहां, 16 बावड़िया है, निर्मल जल से भरी हुई है और उसके ऊपर एक एक दधिमुख सफेद पर्वत और उसके ऊपर एक एक अकृत्रिम जिन चैत्यालय, और देखिए उसके अंदर फिर से पद्मासन 108 प्रतिमा के दर्शन हमें हो रहे हैं। देवगण 6-6 घंटे में दिशा बदल बदल कर कैसी भक्ति कर रहे हैं, वहां कोई दिन रात का भेद नहीं है, अखंड भक्ति चलती है 24 घंटे, अखंड भक्ति चल रही है। देखिए 16 और हमें अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन हो गए सफेद कलर के। आह कैसी भक्ति वहां चल रही है, कैसी भक्ति कर रहे हैं। भक्ति के भावों को लिए अपने ही मन में, आज मैं आई हूँ प्रभु तेरी शरण में, स्वीकारो स्वीकारो स्वीकारो। सट आह्वानम जय हो जय हो जय हो, अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम जय हो जय हो जय हो, अत्रमम सन्नितो भव भव वसत सन्निधि कर्णम जय हो जय हो जय हो। कंचन मणिमय भृंगार तीरथ नीर भरा, ति उधार दई निर्वार जामन मरण जरा, नंदीश्वर श्री जिन धाम बावन पुंज करो, वसुदिन प्रतिमा भिराम आनंद भाव धरो, नंदीश्वर दीप महान चारो दिशिशो है, बावन जिन मंदिर जान सुर नर मन मोहे। ओम ह्रीम श्री नंदीश्वर दीपे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा, दीप पंचाश जिनालयस्थ जिन प्रतिमाभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जलम निरपामिति स्वाहा संसार ताप विनाशनाय, चंदनम निरपामिति स्वाहा अक्षय पद प्राप्ताय, अक्षताम निरपामिति स्वाहा काम वाम बिंदुचनाय, पुष्पम निरपामिति स्वाहा सुधारोग विनाशनाय, नैवेद्यम निरपामिति मोहांधकार विनाशनाय, दीपम निरपामिति अष्टकर्म दहनाय, धूपम निरपामिति
मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरपामिति ओम ह्रीम नंदीश्वर दीपे दीप पंचाश जिनालयस्थ जिन प्रतिमाभ्यो अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निरपामिति स्वाहा। चलिए हम चलते हैं और आगे देखते हैं नंदीश्वर दीप में कहाँ है। हमने चारों दिशाओं के दो दधिमुख पर्वत पर पूजा की। आज कल हमने अंजनगिरी पर्वत पर की थी। आज दधिमुख पर्वत के जो 16 सफेद कलर के पर्वत और वहां जो अकृत्रिम जिनताल है वहां हमने आज पूजा की है। अब आगे हम और देखते हैं उसके बाहर में क्या है। वहां पर क्या है पता है? रतिकर पर्वत है। अब हम रतिकर पर्वत को देख रहे हैं। रतिकर पर्वत के जो वो बावड़ी है, जो पानी से भरी बावड़ी, उसके दो कोनों में दो दो रतिकर पर्वत है। एक दिशा में 8 हो गए। पूरब दिशा के एक दिशा की बावड़ी के दो कोनों में 2, यानी दूसरी 2, 4, 6, 8, यानी एक दिशा में 8 रतिकर पर्वत, तो चारों दिशाओं में 32 रतिकर पर्वत है। अब हम महारतिकर पर्वत के अंदर कैसे है रतिकर पर्वत? लाल कलर के। देखिए हम देख रहे हैं वहां पर भी देव लोग जा रहे हैं बदल बदल कर, 6-6 घंटे में बदलते हैं और 24 घंटे पूजा करते हैं, अखंड पूजा। देखिए कितने अच्छे लाल लाल रतिकर पर्वत है। उसके अंदर जैसे ही जिनालय में प्रवेश किए और 108 प्रतिमाएं जिन्हें देखने मात्र से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, 500 धनुष की पद्मासन प्रतिमा, रत्न जड़ित प्रतिमा, देखिए तो कितनी सुंदर प्रतिमाएं रतिकर पर्वत के ऊपर, लाल कलर के पर्वत के ऊपर रत्न जड़ित हसमुख प्रतिमाएं। शैल 32 एक सहस जो जन कहे, 400 ले मिले सर्व 52 लहे, एक एक शीश पर एक जिन मंदिरम, भोन 52 प्रतिमा नमो सुख करम, बिंब 8 100 रतन मही सोही, देव देवी सर्व नयन मन मोही। सारे के सारे हमारे नयन को, हमारे चित्त को, चित्त हरे रुदारई, हमारे चित्त को हर रहे है। कैसे है वो 500 धनुष की पद्मासन प्रतिमा, भवन 52 प्रतिमा नमो सुख करण, 52 मंदिरों में 108 प्रतिमा, 52 × 108 5616 प्रतिमा के दर्शन हम कर चुके। 108 प्रतिमा को आप 52 × 108 5616 प्रतिमाओं के दर्शन हम कर चुके। लाल नख मुख नयन श्याम रु श्वेत है। कैसे है? लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है, श्याम रंग भोह सिर केश छवि देत है, वचन बोल तम न सो हसत कालुष हरन, भोन 52 प्रतिमा नमो सुख करम, कोटि शशि भानु दुति तेज छिप जात है, कोटि कोटि सूर्य के तेज उनके प्रतिमा के आगे छिप जाता है, वो तेज भी पलाश की पत्तों की तरह फीका पड़ जाता है, कोटि कोटि शशि भानु दुति तेज छिप जात है, महावैराग परिणाम ठहरात है, वचन ना ही कहे लखी होत सम्यक धर्म, भोन 52 प्रतिमा नमो सुख करम। वचन से कुछ कह भी नहीं रही है फिर भी हमें सम्यक की प्राप्ति करा देती है। ऐसी प्रतिमाओं के दर्शन, ऐसी प्रतिमाओं की पूजा हम वहां कर रहे हैं। देखिए 32 और 4 और 20 और 32 कितने हो गए? 52। पूरे 52 जिन अकृत्रिम चैत्यालय जहां पर 5616 प्रतिमाओं की पूजा हम कर रहे हैं, चारों निकाय के देव कितनी भक्ति भाव से, कितने उल्लासित होकर।
सभी लोग महार्घ ले लेंगे। ओम ह्रीम श्री नंदीश्वर दीपे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशु दीप पंच जिनालयस्य जिन प्रतिभाव्यो अनर्घ प्राप्ताय 5601 पूर्ण प्रतिमाओं को पूर्ण अर्घम निर्पामिति स्वाहा। क्या सुंदर प्रतिमाओं पे हमने पूर्ण अर्घ चढ़ाया। पुष्प ले लेंगे अब हाथ में। नंदीश्वर श्री जिन धाम प्रतिमा महिमा को कहे ध्यानत लीनो नाम यही भक्ति शिव सुख करे परि पुष्पांजलि छिपमी। आह भगवान की इतनी भक्ति चारों निकाय के देव कर रहे हैं, उनकी भक्ति देखकर हमारे भी मानस पटल पर देखिए, अपने अंदर में देखिए, आपके मनस पटल पर भी वो भक्ति की धारा, वो भक्ति की लहरें चल रही है, वो भक्ति भाव आपके अंदर भी प्रसुफुटित हो रहा है, वो भक्ति की अविरल धारा आपकी भी आत्मा में बह रही है, वो भक्ति जो चारों निकाय के देव 6-6 घंटे में दिशा बदल बदल कर 24 घंटे अविरल करते हैं, वो ही भक्ति की धारा हमारे भी हृदय पर, हमारे हृदय कैसी तरंग, कैसी समुद्र की लहरें उठती है, ऐसी लहरें हमारे ऊपर भी उठ रही है। हम भी भक्ति करेंगे। देखिए वो भक्ति धारा में हम भी बह चलेंगे। अभी उठ के बैठ के खड़े होके चवर लेके जैसे भी करना है नंदीश्वर देव की भक्ति। धर्म की जयकारा, प्रेम
छायाम रामो लोए सब साम जयकारा
मंगलम विदेह मंगलम 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 चलिए चलिए अब छोटा सा प्रतिक्रमण। बहुत सुंदर अर्चना जी, हमारी डॉक्टर अर्चना जी के इस जिनवाणी ज्ञान को प्रणाम करते हैं। रियली आज मैंने पूरा सुना कि क्योंकि मेरे कुछ घर के कुछ ऐसे ही कुछ असुविधा थी तो मैं नहीं बैठ पा रही थी, और रियली सच्ची में अर्चना जी इतने सुंदर तरीके से इतने शास्त्रों के आपने उदाहरण दे दे के और इस नंदीश्वर द्वीप और पंचमेरु पर्वत के बारे में जो बताया और उपगुहन अंग के बारे में और जिंदत सेठ की कहानी के साथ में किस तरह से क्या अपने में समता लानी चाहिए, आत्म प्रशंसा और दूसरों की निंदा को त्याग कर कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इतने सरल तरीके से और इतनी मधुर और मीठी आवाज के साथ में जब आप समझाते हैं तो लगता है बैठे ही रहो, सुनते ही रहो, सुनते ही रहो, सुनते ही रहो। आपका ये ज्ञान निरंतर बढ़ता रहे, हम प्रभु से यही प्रार्थना चाहते हैं उस ज्ञान को आप बांटते रहे और हम लेके आगे बढ़ते रहे ऐसे ज्ञान के। आपके ज्ञान को प्रणाम करते हैं अर्चना जी और विनय जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत ही सुंदर तरीकों से आपने इतना अच्छे तरीके से समझा रहे हैं कि कोई उठने का नाम ले ही नहीं सकता इसके बीच में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, इतनी सुंदर रचना दिखाई आपने इतने अच्छे तरीके से, तो कोई मतलब दिखा नहीं पाता कि पूरा एग्जाम्पल देते हुए दिखाते हुए हर चीज को बताना और करना ये असंभव होता है, लेकिन आपने बैठ के इतना कार्यों को संजो कर और इतने शास्त्रों का उदाहरण देके अलग अलग शास्त्रों से आपने हर चीज को लेके समझाना बहुत बड़ी बात है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत, और हमारे सुनने वाले श्रावकों को भी बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत। रोज मैं आपका इंतजार कर रही थी कि आज दिखेंगे, आज दिखेंगे। आज दिखी गए। बहुत अच्छा लगा, सच्ची में बता नहीं सकती। मैं बोल रहा हूँ ज्ञान की पराकाष्ठा डे बाय डे इतनी अधिक, सुनने में इतनी मधुर आवाज और इतने शास्त्रों का उदाहरण देना बहुत बड़ी बात होती है। बीच बीच में कुछ सेंटेंसेस बोल के भजन के रूप में बताना वो भी कितनी बड़ी एक आर्ट है आपके अंदर में, सब चीज को मिक्सअप करके और इतना अच्छा से प्रस्तुति देना, लोगों को एकदम चित्त में बैठा देना बहुत बड़ी बात है। एक इंद्र लोगों के साथ में हम भी जाके वहां पे पूजा के नंदीश्वर द्वीप और भावना पाते हैं कि हम भी स्वर्ग में जाके एक दिन ऐसे ही नंदीश्वर द्वीप अकर्तिम जिंच चित्तालियों की पंचमेरु की पूजा करेंगे हम लोग सभी साथ में, जरूर जाएंगे अगले भाव में, जाना ही है निश्चिंत है वो तो एकदम। यहाँ बैठे साथ में सभी ने पुण्य बंध इतना कर लिया है कि निश्चित ही नंदीश्वर द्वीप की यात्रा सब साथ में ही करेंगे। चलिए बहुत बहुत साधुवाद, थैंक यू सो मच। ललिता जी ने आज बहुत अच्छा बता दिए कि अच्छा समझा रही हूँ करके, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। हम कोई चीज कहते हैं वो पसंद आए लोगों को तो हमारी भी एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है कि लोग ठीक समझ रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है तो हमारी बहुत कि इतने सारे लोगों के सामने मैं बोल रही हूँ तो निश्चित ही हमारी एनर्जी आपने बढ़ा दी है, और हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा सब लोगों को दे। और आपने यात्रा भी आज की पूरी, मेरी बहुत इच्छा थी आप देखे, मैंने मंजू दीदी के लिए भी बोला था कल कि आप जरूर एक बार देखिए ना, तो देखिए। अरे जुड़ना ही था, वो तो मेरे को मन ही था, पर बस थोड़ा सा मन ही थोड़ा सा डगमगा रहा था वो थोड़ा सिस्टर इन लोग के कारण, इसीलिए नहीं आ पा रही थी। तो बहुत बहुत इतना मुझे लगा कि अब मैं उसको फेसबुक में जाके पूरा सुनूंगी और समझूंगी। बहुत सुंदर तरीके से आप प्रस्तुति करते हैं
और ऐसे ही करते रहे, हमारी यही भावना है हम सबकी। एकदम धन्यवाद। बहुत सारे मैसेज से चैट बॉक्स भर गया, उसके सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो भी यहाँ लिख रहा है। कई लोग बहुत सारी चीजें लिख रही है, तो उनको सबको धन्यवाद। छोटा सा प्रतिक्रमण हम करेंगे। आसन में बैठ जाइए, प्रतिक्रमण गौ आसन में होता है, जैसी सुख सुविधा हो वैसे बैठ जाइए। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, कुतकारी तनुमोदना द्वारा, समरम समारंभ आरंभ द्वारा, सच्चे देव गुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो, असाधना हुई हो तो मुझे क्षमा करे तथा एक इंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो तो मुझे क्षमा करे। मैं अपनों पापों से मुक्त होने के लिए प्रतिक्रमण करता हूँ। हे भगवान, मैं सर्व अवगुणों से संपन्न हूँ। मैंने मन वचन काय की दुष्टता से न जाने कितने अपराध किए हैं। हे भगवान, आप तो केवल ज्ञानी हैं, मेरे सब पापों को आप जानते हैं, आपसे भी कुछ नहीं छिपा है। मैं सभी जीवों से क्षमा चाहता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। मेरा किसी के साथ शत्रुता नहीं। यदि मैंने राग से द्वेष आदि परिणामों से पाप किया हो, कर्कश वचन किसी को कहे हो, यदि मैंने उठने में बैठने में खांसने में चीखने में बोलने में आदि से जीवों का घात किया हो, त्रस्काई के स्थावर जीवों की हिंसा की हो, पर स्त्री या पर पुरुष को मैंने बुरी नजर से देखा हो, बुरी निगाहों से देखा हो, अपने वर्तनियों में दोष लगाया हो, अष्टमूल गुणों के पालन में सप्तवेशन त्यागने में दोष लगा हो, सच्चे देव शास्त्र गुरु मुनि आदि का श्रावक श्राविका की निंदा आलोचना की हो, तो हे भगवान, मेरे सारे कर्म आपके प्रत्यक्ष परोक्ष में मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। मैं पश्चाताप करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ भगवान, मैं पश्चाताप करता हूँ। हे भगवान, मेरे सारे कर्मों का क्षय हो, मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, मेरा समाधि मरण हो, मेरे अंतिम समय तक सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति में मन लगा रहे, ऐसी मेरी भावना है। दुख खो कम खो भोई लाओ, सोई गमनम सम्मम समाणि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मज्जम, जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। बोली आदिनाथ भगवान की जय। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, ओम नमः आरोग्यो हम। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। हे प्रभु, आज के पठन पाठन में, सुनने सुनाने में, समझने समझाने में किसी भी प्रकार की शब्द काना मात्रा की किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो मुझे क्षमा प्रदान करें, मुझे क्षमा प्रदान करें, मुझे क्षमा प्रदान करें। क्षमा मांगता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं मुझ में रहो। इसी भावना के साथ घर्षण करिए, आंखों पे रखिए और पूरे शरीर में स्पर्श करके ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम, ओम नमः सिद्धेव्य, ओम शांति, शांति। सबको जजने, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। लड़का आ गया लेकिन नीचे जगह नहीं है बैठ। हाँ।
किसी को ले ले एक दो को, किन के हैंड रेज दिख रहे हैं हमारे साथ? उगम देवी और सारिका जी दो लोग दिख रहे हैं, हाँ इनको ले लेते हैं। हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट करिए वहां से। हाँ हो गया, बोलिए। जय जिनेन्द्र। हाँ मैं ना कल मैंने अभी मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने वो रम का एक पूरी माला फेर के छोड़ी, तो थोड़ी देर में मेरा सर एकदम ठीक हो गया। वाह वाह बहुत अच्छा कहानी आपने बताया आज। रखिए रम बीजाक्षर की केस स्टडी इन्होंने बताई हमें, रम बीजाक्षर से इनका पूरा सर का चला गया। कब से हो रहा था आपको सर दर्द? बस कल शाम से हो रहा था, कई देर तक हो जाएगा, नहीं हुआ फिर मैंने ये याद आया तो मैंने ये एक माला फेर ली पूरी बैठ के। अच्छा, तो थोड़ी देर के अंदर ही मेरा एकदम ठीक हो गया। बहुत बढ़िया, आपका फोन नंबर बोलिए उगम देवी जी। नंबर तो मेरे को ऐसे याद नहीं रहता है। चलो ठीक है, कहाँ से है? पैरों में दर्द था ना, हाँ। वो भी मैंने अनुष्ठान किया था 21 दिन का, एक दही और अनार छोड़ के, और बाद में है ना 4-5 दिन तक दूध और मीठा भी छोड़ दिया था। अरे वाह, इससे मेरा थोड़ा सा फर्क है, एकदम तो नहीं हुआ है क्योंकि इतने दिन हो गए, नहीं धीरे धीरे होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा महसूस हो रहा भी फर्क है मेरे। तो अब हो जाएगा करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे करूँ? अभी तो मेरे सुहा हो गया है ना, तो वो भक्तामल जी का वो 9 बार कड़ा पढ़ती हूँ, वो पढ़ूं या नहीं? क्या हो गया आपको? जैसे सूतक होता है ना बच्चा होने से। हाँ, बच्चा होने से सूतक में देखो हम अशुद्ध नहीं है, वो माँ अशुद्ध है, इसलिए हम कोई चीज छुए ना, यदि आपको याद है तो आप पढ़ सकते हैं। नहीं याद तो मेरे को घंटे से बक्सावर जी पूरा ही है, पढ़ सकते हैं कोई चीज छुओ ना भूख वगैरह, और आप ऐसे सब चीज पढ़ सकते हैं। बचपन से करती आई हूँ ना मैं तो। आप पूजा भी कर सकते हो, पढ़ सकते हो, क्योंकि हमारी अशुद्धि नहीं रहती इसमें। पूजा हमारी अशुद्धि इसमें हम नहा धोके करना है ना, इसलिए मंत्र भी है रिद्धि भी है ना इसमें। हाँ, तो हम धुले हुए वस्त्र पहन के हम शुद्ध होके कर सकते हैं। अच्छा, तो ये करती हूँ तो उसमें दीपक जला के करती हूँ, और तो मैं कुछ नहीं करती इसमें और। हाँ ठीक है ना, जितना आपसे बनता है उतना करिए। हाँ, पहले 21 दिन का मैंने वो कर लिया, अब और करूँ तो मैं कैसे करूँ, वैसे ही करूँ क्या? जैसे आपको बनता है, आपने एक तो बहुत अच्छा कर लिया, अब आपको जैसे करना है, जो चीज त्याग करके करना है जैसे करना है आप कर सकते हो। अच्छा, और एक बात और है दीदी, मेरे लड़का है ना, उसके ज्वेलरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम है, और भी काम है, लेकिन उसके बहुत ही नहीं चलता है, क्या बात है? कोई तो 48 वो 36 नंबर करेंगे, 36 नंबर श्लोक से ठीक हो जाएगा, और श्रीम बीजाक्षर उसका दुकान देने मन नहीं करता है, ऐसा हो गया उसके, क्या बात है? श्रीम बीजाक्षर और 38 नंबर श्लोक करेंगे हो जाएगा। कितना नंबर? 36 नंबर श्लोक और श्रीम बीजाक्षर 36 36 नंबर श्लोक करेंगे और श्रीम बीजाक्षर करेंगे। वो अगर नहीं करे तो उसकी वाइफ कर ले तो ठीक रहेगा क्या? चलता है, चलता है, आप भी कर सकते हैं, उसकी वाइफ भी कर सकती है। अच्छा, मैं कर लूँ तो 36 कितने बार? 9 बार 9 बार श्लोक, 108 बार मंत्र, 108 बार रिद्धि। अच्छा, तो नहीं करूंगी, वो तो शायद करता नहीं है, वो मानता भी नहीं है ना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका प्रोग्राम मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत बैठती हूँ, रोज बैठती हूँ मैं साईं जी पे प्रोग्राम में। अच्छा, बहुत, कब से जुड़े हैं? मेरे को जुड़े हुए हो गए 2 महीने। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, 2 महीने हो गए।
अब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, रोज बैठती हूँ मैं प्रोग्राम में, तो ये ठाया मंदिर जाके आकर के बैठ जाती हूँ। बहुत बढ़िया, तो लोगों को आप प्रभावना करिए, बिठा लिए और लोगों को जोड़िए। हाँ बहुत दिनों बोला मैंने मद्रास में, मेरी बहनों को और को सबको बोल दिया, वो भी कर रही है। अच्छा हाँ वो भी कर रही है, वो भी उन्होंने भी उसने भी अनुष्ठान किया था 21 दिन का, उसके लड़के के कानों के कान से सुनता नहीं है और वो दुकान जाने में थोड़ा सा मतलब बहुत तकलीफ लगती है उसको। आपने बताया था 46वां श्लोक पढ़ो उसके लिए। उसके लिए बताया था ना आपने? किसके लिए? मेरे बहन के लड़के के लिए। क्या हो गया उनको? वो दुकान जाता ना तो जाना नहीं चाहता वो भी। अच्छा वो दुकान नहीं जाना चाहता, 6 नंबर पढ़ो उसका मन लगेगा। 6 नंबर आपने 46 बताया था पहले, एक बार बोला था, पूछा था आपसे जब। हाँ 6 नंबर करिए और 36 करिए और 48 भी करिए, 48, 36 और 6 नंबर। 28, 36 और 6 नंबर। उसकी मम्मी करेगी वो? हाँ वो भी मम्मी भी कर सकती है, आप भी कर सकते हैं। अच्छा 9 बार बोल रहे थे, 9 बार श्लोक, 108 बार मंत्र, 108 बार दीप। अच्छा जय जी, हाँ ठीक जय जी, सागर जय जी, जय जी ने हमारे साथ जैन साहब है। मेरे आप जो ये नंदेश्वर द्वीप की यात्रा करा रही है, नंदेश्वर द्वीप की रचना तो मैंने हसनापुर में देखी और बहुत बार देखी, लेकिन उसकी क्या महत्ता है और उसमें होता क्या है, मैं तो उसको देख के चलाया लेकिन समझ में आ जाया कि नंदेश्वर द्वीप में होता क्या है और नंदेश्वर द्वीप में हम कर क्या रहे हैं। मतलब हम जाते थे, दर्शन करते थे, वहां देख के रचना को चल जाते, बहुत सुंदर बनी है, लेकिन नंदेश्वर द्वीप में महत्ता क्या है, नंदेश्वर द्वीप में है क्या, ये समझ में तो कब आता है। नंदीश्वर द्वीप की रचना सही बोल रहे हैं आप, हम जाते देख के चले आते। हसनापुर में बहुत अच्छी बनी हुई है, हसनापुर में बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत अच्छी बनाई है अपने ज्ञानमती माता जी ने। हाँ नहीं वो तो ज्ञानमती जी नहीं, दिगंबर जैन मंदिर में बनी हुई है बड़ी, उनके यहाँ तो जम्बू द्वीप की रचना बनी हुई है। तो जो दूसरा मंदिर है दिगंबर जैन बड़ा मंदिर जो पुराने वाला है, उसमें नंदीश्वर द्वीप की रचना बनी है। अच्छा। लेकिन उसके भी हम दर्शन कर करके चले आए, बहुत बार गए, लेकिन ये समझ में कुछ नहीं आया कि कर क्या रहे हैं हम लोग, उसमें होता क्या, महत्ता उसकी क्या रही, ये अब समझ में आना कुछ शुरू हो रहा है। अच्छा बहुत लोग जान गए अब नंदीश्वर द्वीप, आप सही कह रहे हैं, ये वास्तविकता है। हम लोग जाते हैं, जय जिनेन्द्र दीदी, आप ऐसा सजीव चित्रण करते हैं कि मन एकदम खुश हो जाता है, कि समझ में आता है कि अरे क्या कल्पनाएं आपकी ऐसी सजीव हैं कि आज आप कह रहे हैं आहा हा हा, तो आज के प्रोग्राम के लिए तो बस यही शब्द है आहा हा हा। रोज रियली रोज बेटर, तो जो पहले दिन लगा था फिर दूसरे दिन और अच्छा नंदीश्वर दी, तीसरे दिन और अच्छा, चौथे दिन और अच्छा, और पांचवे दिन तो आहा मन आलोक हो गया, मन हो जाता है वो। बहुत बहुत अनुमोदना दीदी, बहुत खुश है, शब्द नहीं मिलते ज्यादा कहने के लिए, लेकिन बहुत अंदर अंतर मन से खुश रहते हैं आजकल। जय जी अंतर मन से खुश रहने लगे बता रहे हमारे रेखा जी। इस समय में और क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए ये बताओ। इस समय हमारा यही समय हमारा ऐसा ही व्यतीत हो, बस और क्या चाहिए, बस बस आज तो रात तक यही वर्ड्स रहेंगे, रात तक यही वर्ड्स याद रहेंगे दीदी, रात तक यही रहेगा। आपने सबको आहा दे दिया आज, और कल फिर कुछ और सुनने को मिलेगा आपसे। हम चाहे तो अलग अलग करा सकते, लेकिन हम डेली एक ही चीज इसलिए करा रहे हैं, कोई कोई नए नए लोग भी जुड़ते जाते हैं। जी 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 सबको पता चले,
यदि एक भी हमारे सेशन में आज नया जुड़ गया तो उन्हें पता चले कि भाई नंदीश्वर दीप की यात्रा क्या है, और जो देख रहे हैं उनको याद हो जाए। एक बार में कभी कोई चीज याद नहीं होती, बार बार पढ़ना पड़ता है जी। हम लोग कितने सालों से तत्वार सूत्र के 10 अध्याय रोज पढ़ते हैं, और रत्नकरण सावकाजार हमने 3 बार पढ़ा। एक बार हमारे ससुराल में हमने वाचना कराई थी, सब लेडीज लोगों की चली गई थी थोड़ी के लिए, हमने रत्नकरण सावकाजार और ज्ञानानंद ग्रंथ, 2 ग्रंथों की हमने स्थापना की थी। तो ध्यान का ज्ञानानंद ग्रंथ है और रत्नकरण सावकाजार हमारे श्रावक के आचरण का है। तो हमने उसको 3 बार पढ़ा, एक बार फिर हमने पढ़ा, एक बार ससुराल में पढ़ाया, फिर एक बार हमारे जैन साहब को भी इच्छा हुई तो हमने जैन साहब और बच्चों ने मिलकर घर में स्थापन किया था, उसको घर में स्थापित करके उसको पढ़ा, 3 बार पढ़ा। हर बार जितनी बार आप कोई भी चीज पढ़ोगे आपको हर बार नया दिखेगा, नया अर्थ मिलेगा। बिल्कुल सही बात। अब नंदीश्वर दीप की यात्रा तो हम एक ही करा रहे डेली, लेकिन आपको हर दिन लगेगा कि अरे ये नया और उन्हीं हुई चीज एक बार हम भूल भी सकते हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ मेरे हर प्रोग्राम में आप देखोगे मैं पीपीटी के माध्यम से आपको दिखाती हूँ, ये उससे समझ में जल्दी आ जाता है दीदी, जल्दी समझ में आता है। और सुनी हुई चीज एक बार आप भूल भी सकते हो, लेकिन आपके दिलो दिमाग में घर कर जाती है, और कितने समय तक वो उसकी छवि हमारे दिलो दिमाग में रहती है। वो हो सकता है इस भाव में, परभाव में भी वो रहे, परभाव में भी हमें वो यात्रा याद दिलाती रहे। जी, कोशिश रहती मैं आके ही करूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये YouTube पर भी उपलब्ध है क्या? YouTube पे अभी डलेगा, आज रात तक ये अभी हम पहले Facebook लाइव करते, क्योंकि हमारे Facebook पे भी 150-200 लोग जुड़े हैं, तो डेली Facebook लाइव करके फिर रात तक डाल देते हैं उसको YouTube पे। कल का नहीं डला है, 2 दिन का डला है, आज दोनों डल जाएगा, आज कल 3rd day, 4th day और 5th, 3rd। बहुत बहुत धन्यवाद, देख लेंगे हम भी देख लेंगे। 2 दिन मेरा मिस हो गया था एक्चुअली, थोड़ा थोड़ा बीच में उठना पड़ गया। फेसबुक पे जाना, धीरे करो ना, हैदराबाद के फेसबुक पे जाना है, संगम फाउंडेशन हैदराबाद पे फेसबुक पे मिल जाए। मधु जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी और भैया, जय जिनेन्द्र। ये जो आप नंदीश्वर की वो यात्रा करा रही हैं, उसमें आपने शुरू में कहा था ध्यान करो, पर मैं तो जब वो भक्त जाने लगे नंदीश्वर की तरफ तो मैं भी उनके साथ चल दी, क्या चल सकते हैं उनके साथ? भाव ऐसा हो कि हम मैं चाह रही हूँ भाव से जा सकते हैं। हाँ, मैं तो उनके साथ चल दी, और मेरे को एक एक चीज ऐसे याद हो गई है कि हमने इतना, हमारी जो झुमरी तलैया है वो भक्तों की नगरी है, और उसमें हमने इतनी भक्ति की है, अनंत भक्ति की है। तो नंदीश्वर के हमने मतलब चक्रविधान भी किए हैं, मगर हमें नंदीश्वर की रचना का अभी तक उतना ज्ञान नहीं हो पाया जितना कि अभी हो पाया, कि एक एक चीज रट गई है मुझे, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ कह नहीं सकती। इसके लिए आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि नमन, धन्यवाद। नीलिमा जी को ले रहे हैं, नीलिमा जी चांगड़ी हमारे साथ क्या बोल रही है, हाँ दीदी इनको थोड़ा प्रॉब्लम है तो ये आपसे बात कर रहे हैं। ये मेरी सिस्टर इन लॉ है दीदी, तो इनको बहुत प्रॉब्लम है अभी, तो ये आप हाँ बोलो। सूजन है, ऐसे हाथ पैर में सूजन है और मस्कुलर पेन बोला है, मतलब ये पोस्ट वायरल सब सिम्टम्स है, लेकिन अभी वो बोल रहे कि इसको ठीक होने में टाइम जाएगा बहुत। अच्छा, तो आपको 14 नंबर श्लोक बम बीजाक्षर, बम अच्छा ठीक है दीदी, बम 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 कौन सा बोले दीदी? 45 नंबर
14 नंबर और बम बीजाक्षर। ओके ठीक है दीदी, जय जिनेन्द्र। मैं सुना रही हूँ आपको। हाँ हाँ अच्छा 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 हाँ कर बम 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 बम। देखिए आपकी उंगलियां ढीली हो रही है, स्वेलिंग कम हो रही है। बम देखिए हाथ का कैसे दबते चला जा रहा है। बम बम बम। आप खुद महसूस करिए, आपकी उंगलियां ऐसी करिए, आप देखिए नरम हो रही है आपकी उंगलियां बम बीजाक्षर से। बम 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 बम। देखिए आपका हाथ दब रहा है पूरा। बम उठा हुआ था, पूरे उठे हुए थे अंदर के पौरे, पूरे नरम हो रहे हैं। बम 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 बम। एक्सरसाइज करिए हाथों की, दोनों हाथों को मिला लीजिए ऐसे। आप ऐसे पाम को मिलाइए, दोनों पाम को मिलाएंगे, दोनों पाम को मिलाइए। हाँ ऐसे। अब एक साइड से उठाइए पाम को, एक साइड से उठाइए, एक साइड से दबाइए। जो हमारी गादी है ना दो साइड की, एक से दबाइए, एक से उठाइए, एक से उठाइए, एक से दबाइए। मैं स्पॉटलाइट पे मुझे लेती हूँ जब आपको समझ में आए। एक मिनट। हाँ दीदी ऐसे ही क्या आवाज हो रही है, किसका खुला है? हाँ आवाज, एक मिनट में दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए मेरा हाथ, देखिए आपको मैं बता रही हूँ आपको एक्सरसाइज कैसी करना है। ये देखिए दोनों हाथों को पाम को मिलाना है। पहले नीचे दो हमारी ये मोटी गद्दी है ना, इनको मिलाइए। फिर ये दोनों ऊपर वाली ये गद्दी जो है इनको मिलाइए। मिला लिए दोनों। हाँ अब एक को उठाना है और उंगलियां पूरी स्ट्रेट, एक को उठाना है और एक को मिला के फिर एक को उठाना है और दोनों उंगलियां मिला ये। आप दोनों उंगलियों को एक पे प्रेस करिए, जोर से प्रेस करिए, दोनों उंगलियों को एकदम जोर से प्रेस करिए और नीचे का हाथ दूर फेंकिए आप ऐसे, पूरा ऐसे करिए। ये देखिए पूरी उंगलियों का आकार वक्र आकार हो चुका, पूरा वक्र ये। फिर धीरे से मिलाइए दोनों हाथों को, नीचे से प्रेस करिए, ऊपर से खोलिए धीरे से, नीचे से प्रेस और ऊपर से खोल दीजिए। धीरे से प्रेस करिए, दोनों उंगलियों को एकदम चिपका दीजिए, गले मिला लीजिए दोनों उंगलियों को धीरे से। दोनों उंगलियों को कुछ नहीं, वो स्ट्रेट रहना चाहिए, अंदर दबते जाना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलते जाना चाहिए ये ऐसा। ठीक है ये ऐसा करिए आप पांच पांच बार और अभी आप खुद देखोगे आपकी स्वेलिंग कितनी कम हो गई है। बताइए लग रहा है कि नहीं आपको कम?
हाँ मूवमेंट काफी बेटर अच्छे है। हाँ एकदम हल्का हो गया होगा और मूवमेंट भी आपको आ गए होंगे उसमें। ये अंगूठा हिल नहीं रहा था वो काफी है। हिलने लगा ना, हिलाओ अंगूठा को, अंगूठे को हिलाओ, देखो इनका अंगूठा हिलने लगा बम बीजाक्षर से। हाँ बताइए, ये अंगूठा नहीं हिल रहा था? हाँ मतलब सुबह सुबह ऐसे एकदम इधर ऐसे फोल्डिंग में टाइट होता था, अभी काफी बेटर है, मतलब पेन है लेकिन हिल रहा है। तो आप नमक नमक खाना छोड़ सकते हो, एक आध वीक नमक? नमक क्या नमक छोड़ सकते हो एक? अभी ना दीदी अभी है ना दवाइयाँ बहुत चालू है, दो तीन दिन नमक तो चलेगा क्या? हाँ चलता दो तीन दिन, तीन दिन नमक चलेगा। एक दिन आज छोड़िए, कल छोड़िए, फिर परसों, एक एक दिन एकदम नहीं, आज छोड़िए, आज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो कल छोड़िए परसों छोड़िए, और ये एक्सरसाइज करिए जो मैंने बताया, और बम बीजाक्षर सिर्फ पढ़ोगे तो भी आप बहुत अच्छे हो जाओगे, तीन दिन में आपका पूरा ठीक हो जाएगा पूरा। चलेगा चलेगा दीदी, ठीक है। अभी कौन है भाई? हमारे नरेंद्र पाटोडी हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ दीदी जय जिनेन्द्र। हाँ मेरे को है ना आपका ये बहुत सेशन बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अभी महीने डेढ़ महीने से जुड़ी हूँ। हाँ वो विजय लक्ष्मी गंगवाल है ना, उसने मेरे को जोड़ा है। अच्छा। हाँ वो मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ रहता है, बढ़ रहा है मतलब वो गोलियां भी बहुत बढ़ गई है। थम बीजाक्षर करिए। थम ना? हाँ वो मैं कर रही हूँ थम भी। अच्छे से करिए, आप कर रहे होंगे एक ही दिन में कंट्रोल, एक ही दिन में कंट्रोल होता है। नहीं मैं रोज कर रही, दवाई लेती हूँ जब भी करती हूँ और ऐसे भी कर रही हूँ। थम मैं सुना रही हूँ आपको, थम 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 हम बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। आप उसको कंटिन्यू करिए 108 बार बोलिए, आप एक साइड बैठ जाइए और 108 बार दीदी मेरे बेटे, हाँ बेटे को भी बहुत दवाइयाँ चलती है, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। उसका भी ब्लड प्रेशर बढ़ता था वो तो ठीक है, पर उसको तिल्ली की प्रॉब्लम है। तिल आती है? अभी नया कौन में देखे? तिल्ली तिल्ली काय की प्रॉब्लम है? तिल्ली आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट कर लिए। हाँ काय की प्रॉब्लम है? हेलो दीदी। हाँ जय जिनेन दीदी। जय जिनेन। जय जिनेन। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आ रही है। दीदी आप अभी उनको जो हथेली का करवाए थे ना बम का, तो मेरे सुबह से बहुत दर्द था हाथ में, तो उनके साथ साथ मैं की। अच्छा। अभी मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, एकदम दर्द ठीक हो गया मेरे। अरे वाह, मुझे तो पता था दर्द ठीक होना ही है। एकदम ठीक हो गया। आज सुबह से बहुत दर्द था मेरे यहाँ पे, बताइए। मैं उनके साथ साथ अभी की, देखिए अभी एकदम ठीक है मेरा, बिल्कुल ठीक हो गया। देखिए आपके सामने चमत्कार अभी के अभी हो, बताइए। नंबर बोल दीजिए जयश्री जी आपका, वैसे है तो मेरे पास लेकिन लिख लेती हूँ, बोलिए। हाँ 933-150-4141-4141। बहुत सुंदर, देखो अभी के अभी कितनी अच्छी कड़ी आई, पूरा मेरा एकदम दर्द नहीं है, सुबह सुबह से बहुत दर्द था यहाँ। देखिए अभी आपके साथ साथ उनके साथ की, मेरा एकदम दर्द नहीं। बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम दीदी।
बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। और आपका वो बुक का क्या नाम डालना है आपकी बुक में, बोलो आप, मैं दे दी, नाम दे दी आपने, नेहा दीदी को दे दी, नेहा, अच्छा दे दी, चलो ठीक है, आ गया ठीक। आपकी कितनी बुक है, आपकी 100 कितनी बुक? प्रेमलता जैन जो बैठती है ना बेंगलोर से, दीमापुर, वो प्रेमलता जैन के नाम से है, उन्होंने उन्होंने छपवाई है वो किताबें। अच्छा ठीक है, हाँ, प्रेमलता से छपवाना हो वो छपवा सकते हैं, बहुत लोग 100-100, 200-200 बुक छपवा रहे हैं बांटने के लिए, बहुत सारे लोग अक्षर की छोटी बुक कम रेट में ही आएंगी, छोटी बुक, अच्छा, जिन्हें बांटने के लिए छपवाना है तो छपवा सकते हैं, बहुत लोग छपवा रहे हैं, बांटने के लिए अक्षर का अच्छा है। हाँ, मेरी दीदी है प्रेमलता सेठी, उन्होंने छपाई है। अच्छा उन्होंने छपवाई है ये, हाँ दीमापुर, अच्छा मुझे लगा आपकी है। नहीं वो मेरी दीदी है। हाँ, आपके पास तो पहुंच ही जाएंगे। हाँ ठीक है दीदी। एक और कोई भारती जी बोल रही थी, मुझे कुछ बोलना है, भारती थी ना, मुझे कुछ बोलना है, हाँ भारती राका, जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र भारती जी, थैंक यू जयश्री जी, आपने बहुत अच्छी केस स्टडी, हमने आपको ले लिया हैंड रेज देखा तो हमें केस स्टडी सुनने मिल गई, शायद आपका नंबर तो सुन भी नहीं पाते, बहुत अच्छा लगता है, रोज बैठती हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है। यात्रा कैसी लग रही है? बहुत अच्छी, ऐसे लगता है मैं नंदीश्वर द्वीप में बैठी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, आप जो समझाते हैं ना एक एक एकदम घुसता है माइंड में। अच्छा नंदीश्वर द्वीप तो बहुत अच्छा लगता है। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र दीदी, प्रणाम। मुझको खुद को भी बड़ा आनंद आ रहा है नंदीश्वर द्वीप की यात्रा करने, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लगता है बैठी रहो नंदीश्वर द्वीप में, करते ही रहो लग रहा है, और वो इतने अच्छे सॉन्ग की जो आवाज है ना, सरब परब में पूरा एकदम दिल को छू जाती है, सरब परब में बड़ो अठाई, बहुत अच्छा लगता है। जय जिनेन्द्र दीदी, हाँ बोलिए, कल मैंने आपका सत्संग बात किया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं सुबह ज्वाइन हुई, बहुत अच्छा लगा मेरे को करके, नंदेश्वर यात्रा की आपकी, हाँ बहुत बढ़िया लगा आपका, बहुत दिनों से आपसे मतलब मिलने बात करने की बहुत इच्छा हो रही थी दीदी मेरे, थोड़े से 2 महीने हो गए, जैसे ये गले में दोनों साइड में गले में बहुत दिक्कत हो रही है, अभी मैंने टेस्टिंग कराई, सिटी स्कैन करवाई तो मेरे लंग्स में इन्फेक्शन आया है, और गले में थोड़ी टॉन्सिल है, और छोटी छोटी 5-5-7 mm की छोटी छोटी गांठें है टॉन्सिल की, तो दीदी बहुत परेशान हुए, एंटीबायोटिक भी ले लिया, मेरे को 5 दिन हो गए, कोई मतलब विशेष फायदा नहीं। आप देखिए कम बीजाक्षर करिए, तो गठाने जो आई है ना कम बीजाक्षर से, कौन सा दीदी, कम 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 CAM डॉट कॉम बोलते ना, कम CAM कम 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 बीजाक्षर करिए तो आपकी गठाने डिजॉल्व हो जाएंगी। कितनी बार? और 108 बार सुबह, 108 बार शाम को। अच्छा, और एक कम बीजाक्षर भी आप कर सकते हैं, पर कम करिए, कम से गठाने पहले डिजॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है, और फिर बाद में दूसरी चीज हम देखते हैं। बत्तमर श्लोक नंबर कौन सा दीदी? श्लोक नंबर 31। ये कितनी बार सुना रही हूँ आपको, ये दीदी कितनी बार? मैं आपको दे रही हूँ हीलिंग, आप दोनों हाथ खोल के बैठ जाइए, बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो। कम 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 गले में रख लीजिए दोनों हाथ, कम कम मसाज करिए दोनों साइड से, कम 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 सीधा लाना है ऊपर से नीचे, सीधा सीधा कान के पीछे से नीचे लाएंगे, सीधा कान के पीछे से, कम नीचे उतारिए, सीधा नीचे उतारिए उसको,
कम ऐसा दो साइड दो साइड कम ऐसे हाँ ऐसे उतारिए शोल्डर पे उतारिए शोल्डर पे उतारिए उसको कम 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 बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। आपका कुछ रह गया था नरेंद्र पाटोदी आपका कुछ बोल रहे थे क्या बोल रहे थे नरेंद्र पाटोदी दीदी हाँ जी जी दीदी जय दीदी एक बार मेरे थोड़ा लंग्स में भी इन्फेक्शन आया है लंग्स में मतलब ESR बहुत बड़ा हुआ है ESR ESR जो बड़ा है ना कितना आ गया ESR 87 आ गया दीदी 87 पम बीजाक्षर करिए पम 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 ठीक हो जाएगा आज ही नॉर्मल हो जाएगा 108 बार करिए आज ही नॉर्मल हो पम भी 108 बार हाँ बस पम बीजाक्षर 108 बार और दीदी ये इसका भक्तमर श्लोक जो आपने 31 बताया मेरे को इसका 45 दोनों करने हैं क्या पम बीजाक्षर का 45 पम का 45 हाँ बोलिए पाटोड़ी जी बोलिए हाँ जी हाँ जी दीदी तिल्ली तिल्ली रहती है ना पेट में तिल्ली रहती है ना पेट में वो बढ़ जाती है उसके लिए क्या करना ये बीजाक्षर का हीलिंग दी ना मैंने कम वो कम बीजाक्षर करो कम और काम अच्छा, अच्छा, दूसरा एक और लिखो काम 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 दोनों बीजाक्षर करिए काम काम और उसके सर्विस के लिए सर्विस नहीं लग रहे उसके सर्विस के लिए बोलिए आप 19 नंबर और सिम बीजाक्षर 19 हाँ और सिम बीजाक्षर हाँ हाँ तो श्रीम बीजाक्षर हाँ जी हेलो हाँ जिनेंद्र जी जय जिनेंद्र हेलो हाँ बोलिए आवाज आ रही है हेलो जय जिनेंद्र जी जय जिनेंद्र हेलो जय जिनेंद्र जी जय जिनेंद्र आ रही है बोलिए आ रही है आवाज मुझे आवाज आ रही है आप बोलिए हेलो जयेंद्र दीदी जय जिनेंद्र भैया हेलो जय जिनेंद्र नहीं आ रही आवाज आवाज आ रही है आवाज आ रही है बताती हूँ उनका दीदी मैं बताती हूँ उनका प्रॉब्लम वो मेरे फैमिली मेंबर है मैं तनुजा जैन बात कर रही हूँ जलगांव से हाँ दीदी उनको है ना दोनों किडनी की मतलब ब्लॉकेज है उनकी दोनों किडनी खराब हो गई है और लंग्स की भी प्रॉब्लम है उनकी तो लीवर की लीवर भी चेंज करने बोला है और किडनी भी चेंज करने बोली है तो मैंने उनको पहले नंबर का बोला था 17 नंबर का और 45 तो मैं भी खुद ही लिख दे रही थी उनको और काम बीजाक्षर भी बोला था और पम भी करवा दीजिए काम और पम कम भी करवा दूं क्या हाँ तो उनको बहुत अच्छा इफेक्ट है अभी मतलब चेकअप को गए थे तो डॉक्टर ने बोला कि जैसे नहीं अपन जब तक हो सकते जब तक ऑपरेशन नहीं करते क्योंकि वो मैच होना भी प्रॉब्लम है ना किडनी और लीवर दोनों का तो वो हिसाब से वो बोल रहे थे तो दीदी आप उनको हीलिंग दे दोनों थोड़ी सी जैसे उनको फ्रेश लगेगा उनको स्पॉटलाइट पे लेकर हीलिंग दे दो की जय काम सभी लोग दीजिए काम 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 काम
काम काम काम काम काम काम काम काम काम काम काम काम काम काम काम काम काम काम काम बोलिए आदिनाथ भगवान की। हम बचे हुए लोगों के लिए सॉरी, क्योंकि 12 बजे फिर मेरा एक सेशन है आज, इसलिए लीव करना पड़ेगा, क्योंकि 9:30 बज गए, 2 घंटे हम लोगों को लगेंगे खाना पीना बनाने में। तो लीव करते हैं, कल ले लेंगे सब लोगों को, ठीक है।